अच्छा सर, जैसे दोनों आंखों का अपने को करवाना है तो कितना गैप रहता है दोनों के लिए? सच पूछो तो एक दिन का गैप। जब मेडिकल कॉलेज में हम लोग रहते हैं, गरीब पेशेंट अगर आता है तो वो आने जाने में इतना खर्च नहीं कर सकता। जी जी जी। तो एक आंख के आगे ऑपरेशन किया, फिर प्रिकॉशनरी अपन समझदार है, अपन आ सकते हैं, जबलपुर प्रॉपर के हैं, तो इसे आज अपन ने ऑपरेशन कराया, विद इन अ वीक दूसरे आंख का ऑपरेशन करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो दोनों में और अच्छा खासा है, मतलब ये समझिए कि अबाउट टू सेकंड लास्ट स्टेज, मतलब आपके पास बहुत मार्जिन बचा हुआ, कम मार्जिन है जिसपे आप इनको दोनों की ओर करा सकते हैं। रखी दाढ़ी बाबू जी, कान देखिए मेरा, बहुत बढ़िया, ऐसे ही कान देखते रहिए। पर्दा भी नहीं दिख रहा, मतलब इतना ज्यादा धुंधला छा गया, इतना ज्यादा गहरा हो गया धुंधलापन की, अब हम पीछे क्या है पर्दे की पोजीशन वो भी नहीं देख पा रहे। इस आंख में तो फिर भी थोड़ा ठीक है। आज ये मार्बल सिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की तरफ से निःशुल्क नेत्र परीक्षण व मोतियाबिंद ऑपरेशन का आयोजन किया गया है, जिसमें कि अभी तक मेरे पास 161 मरीजों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। सुबह 10 बजे से मरीजों की जांच शुरू हो चुकी है और इस समय मोतियाबिंद के मरीज काफ़ी आ रहे हैं, तो जो भी जिनकी भी मोतियाबिंद के लिए डेट फाइनल होती है उनका उस हिसाब से ऑपरेशन किया जाएगा। इसके साथ साथ कुछ बच्चे भी आए हुए हैं जिनमें कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी वगैरह पाई गई है, साथ में उनको एक रिफ्रैक्टिव एरर जिसको अपन बोलते हैं चश्मे की जाँच या चश्मे का नंबर, वो भी पाया गया है, तो जिसकी जैसी ज़रूरत है उसके हिसाब से उनका इलाज किया जा रहा है। मेरा नाम डॉक्टर आशीष नेमा है और मेरे साथ यहाँ मेरी वाइफ भी हैं डॉक्टर कृति नेमा, वो भी ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट हैं और हम दोनों यहाँ निरंतर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।